हेलो वॉचर्स, आज हम सब देखने वाले हैं जॉन सीना को। अरे रे रे रे, WWE नहीं यार, बल्कि जॉन भैया की एक नई मूवी आई है जैकपॉट नाम से। सालों, ये वाला जैकपॉट नहीं, सनी लियोनी के भक्तों, सिर्फ सनी लियोनी को ही देखना चाहते हो क्या? रोना नहीं शुरू होना चाहिए। सो गाइस, नो मोर बकवास, लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर उससे पहले मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर नहीं किया तो ऐसी ही पड़ेगी जैसे इसको पड़ी है। सो गाइस, होती है कहानी की शुरुआत लंबी दौड़ लगा रहे एक आदमी के साथ, जिसके पीछे है बहुत सारे लोग। नहीं, लोग पीछे नहीं पड़े यार, बल्कि वो उसे मारने के लिए पीछे पड़े हैं, खुद ही देख लो। तो किसी तरह भागता हुआ आदमी मरमरा के पहुंचा एक बुढ़िया के घर में, जहां वो छिपने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बुढ़िया भी थी स्मार्ट, तो मारा ऐसा आदमी को कि आदमी वहीं पे मर जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ अजीब, बहुत सारे लोग आए बुढ़िया के करीब। मर गया है आदमी, पहले किया गया चेक, और उसके बाद दिया गया बुढ़िया को एक रियल वाला चेक। माँ की आंख, मेरे को भी पहली बार में यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, बट लकली आई एम हियर, सो डोंट वरी डियर, अपुन समझाएगा सारा का सारा माजरा है क्या। तो 2030 का ये साल है, वर्ल्ड इकोनॉमी की निकल चुकी खाल है, और स्टॉक मार्केट का भी हाल बेहाल है। तो कैलिफोर्निया में एक जैकपॉट गेम होता है, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम होता है। लेकिन अगर आपने जैकपॉट जीत लिया तो पड़ जाएंगे आपके जान की लाले, क्योंकि पड़ जाएंगे पीछे दुनिया वाले, क्योंकि यही रूल है यार, जैकपॉट जीतकर आपको शाम तक जिंदा रहना पड़ेगा, और किसी ने आपको मार दिया तो सारा का सारा पैसा उसका। तो यही सब कुछ चल रहा था अभी तक। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं केटी से, जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसीलिए आई है कैलिफोर्निया। लेकिन बस में लोगों को लड़ता देख केटी समझ जाती है जैकपॉट का दिन लोगों को आपस में लड़वाती है, लेकिन वो यार ऊपर ही ऊपर समझती है। आगे वो एक लड़की से मिलती है जो कि साली पूरी की पूरी पागल है, और उसका बॉयफ्रेंड भी, खुद ही देख लो, जो कि केटी से लेती है किराया, क्योंकि वो छोटा सा रूम देती है रहने को भाया। लेकिन टपकता है छत, तो हो जाते हैं केटी के कपड़े खराब। अरे भैया, केटी को तो जाना था ऑडिशन पे, तो अब कौन देगा केटी को कपड़े जनाब। तो केटी पगली लड़की के कपड़े पहनकर ऑडिशन चली जाती है, और एक्टिंग अच्छी होने के बावजूद भी $400 ठगी जाती है। लेकिन उसके कपड़े में था लॉटरी का एक टिकट, जो कि केटी से लॉगिन हो जाता है, और केटी बन गई जैकपॉट की विनर, जिसका पता बेचारी केटी को छोड़कर सबको चल जाता है। तो अब पड़ गए केटी के जान के लाले, क्योंकि जैकपॉट विनर बनने के लिए पीछे पड़ गए दुनिया वाले। हे ऊपर वाले, बेचारी केटी को कोई तो बचा ले। और तब भी धरती का फाड़ के सीना, पुट योर हैंड्स टुगेदर, क्योंकि आ गए हैं जॉन सीना, और इसके बाद जॉन भैया मुक्के पे मुक्का मारकर लात घुसे चलाकर फाइटिंग करते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। इसके बाद एक बंदे को उठाकर पटक भी देते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जॉन भैया केटी को बचाएंगे सबसे, मतलब जॉन भैया केटी की जान बचाएंगे और जैकपॉट के 10% कमाएंगे। और जैकपॉट की राशि क्या है पता है? $3.6 billion। अब ये इंडियन रुपीज में कितना होता है गाइस, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी है, इसीलिए मुझसे ना हो पाएगा। आगे कहानी में सीना भैया समझाते हैं सारे रूल्स, खुद को शाम तक नहीं बचाया तो पैसे क्या, खुद को भी जाओगी भूल, क्योंकि याद करने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगी। ऊपर फॉलो कर रहा है एक ड्रोन, बताएगा किटी की लोकेशन, तो पूछो आ जाएगा कौन। अबे सबके सब आ जाएंगे यार जैकपॉट जीतने के लिए। जिसके बाद जॉन भैया कार को दौड़ाकर, बाइकर्स से केटी को बचाकर, अपने ही कार की धज्जिया उड़ाकर, एक महिला को हेलमेट पहनाकर कार से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जॉन भैया बड़े ही रहम दिल है, बोले तो जेंटलमैन आदमी है। लेकिन केटी को अच्छा नहीं लग रहा होता है इतना मारना काटना बचाना, इसीलिए वो शहर छोड़कर चाहती है चली जाना। तो तोड़कर सीना भैया की नाक, केटी चली जाती है पुलिस वालों के पास, मगर पुलिस वाले भी निकले जैकपॉट खोर, मारने के लिए केटी को लगा दिया पूरा जोर, मगर हमारे जेंटलमैन सीना भैया पुलिस वालों से लड़ने लग जाते हैं, और इधर केटी भागकर म्यूजियम में छिप जाती है। केटी की वो पागल दोस्त याद है ना? हाँ, वही पगली कहीं की, वो उसे मारने के लिए म्यूजियम पहुंच जाती है, जहां पर होती है लपड़ झपड़, और किसी तरह जान बचाकर केटी निकलती है म्यूजियम से बाहर। लेकिन बाहर तो सभी केटी को मारना चाहते हैं, जहां सीना भैया हीरो की तरह एंट्री मार कर आते हैं, बचाकर केटी को एक सुपरस्टार के बंगले में ले जाते हैं।
क्योंकि उस बंगले में है एक पैनिक रूम। तो कर्क स्टार को बेहोश घुस जाते हैं दोनों के दोनों पैनिक रूम में, मगर लोग हो चुके हैं खूंखार, लगा देंगे केटी की नैया पार। स्टार को डुबो कर यार खोल दिया पैनिक रूम का ताला, अरे धत्साला। तो सिन्हा भैया ने घुमाया फोन और करवा दिया फोन स्ट्राइक, तो हो गए सभी बेहोश। इसके बाद आए कुछ मुस्तंडे, ले गए केटी और सिन्हा भैया को। तो भाई लोग, ये लोग है लुइस के आदमी, जो कि एक प्रोटेक्शन एजेंसी है और जैकपॉट जीतने वालों को प्रोटेक्ट करती है। वैसे लुइस को सिन्हा भैया पहले से जानता है, और इतनी दौलत इतने कम वक्त में लुइस ने कैसे कमाई ये देख के सिन्हा भैया भी हैरान रह जाता है। इसके बाद केटी एक मास्क पहन लेती है जिससे वो पहचान में नहीं आती है, मगर सिन्हा भैया का हो गया था शक। कहीं लुइस अपने क्लाइंट्स को मारकर ही तो इतना अमीर नहीं बना है। केटी को वो लोग कार में भेजना चाहते थे, मगर सिन्हा भैया सब समझ जाते हैं और केटी को करते हैं इशारा, और जिसके बाद मजा आया। इसके बाद केटी कार लेकर हो जाती है उड़न छू। लुइस सिन्हा भैया को पीट पीट कर पाना चाहता है केटी का पता, लेकिन सिन्हा भैया बोलता है आथू। इसके बाद केटी शहर से बाहर जाने वाली होती है, तभी लुइस द एविल माइंडेड करता है फोन, कहता है अगर वापस नहीं आए तो जानती हो मरेगा कौन, अपने सिन्हा भैया। तो केटी वापस आने लगती है क्योंकि लिटरली सिन्हा भैया जेंटलमैन है यार, अच्छे आदमी, उनके लिए तो वापस आना ही पड़ता है। तो लुइस पकड़ के रखता है सिन्हा भैया को हॉलीवुड थिएटर में, जहां हर विलन की तरह वो भी अपने गुनाहों का बखान कर रहा होता है, और केटी सोशल मीडिया में लाइव आकर लुइस की सच्चाई सबके सामने ले आती है। लेकिन चल जाता है सबको केटी के लोकेशन का पता, और जिसके बाद ट्रक बस भर भर के लोग हथियार लेकर केटी को मारने आ जाते हैं। देखकर केटी को खतरे में बंधे हुए जॉन सिन्हा भी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कुर्सी फुर्सी तोड़कर जॉन भैया भी लड़ने लग जाते हैं, और केटी चढ़ जाती है अटरिया पर, और साला कमीना लुइस भी चढ़ जाता है ऊपर, मगर केटी खींच देती है लुइस के पैकेट में रखे मिनी बम का तार, जिससे जाते हैं बेचारे लुइस के टुकड़े हजार। बेसिकली गाइस वो फट जाता है, फटना मतलब समझते हो ना, अरे भैया फटना बोल रहे हैं पटना नहीं। और जब केटी नीचे गिर रही होती है तब आते हैं असली फैंस और खींच के चादर बचा लेते हैं केटी की जान। और टाइम भी पूरा हो गया था यार, तो बन गई जैकपॉट की विनर केटी, और खुश होकर केटी ने सिन्हा भैया को दे दिया इनाम के 50%, क्योंकि यार अपने सिन्हा भैया बहुत ईमानदार है, वो चाहते तो केटी को मारकर 3.6 बिलियन अपने नाम कर सकते थे, लेकिन सिन्हा भैया बहुत ही चरित्रवान है। इसके बाद दोनों अमीर हो जाते हैं और बहुत सारे पैसे सोशल वर्क में लगाते हैं। सो गाइस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ये थी जॉन सिन्हा की लेटेस्ट मूवी जैकपॉट का फनी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो यार, सब्सक्राइब कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया तो जानते ही हो मैं क्या करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।